धामपुर अर्चना नर्सिंग होम के प्रबंधक और संचालक के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। धामपुर रेलवे स्टेशन के सामने जेत्र में संचालित अर्चना नर्सिंग होम के संचालक एवं प्रबंधक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग बिजनौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के तहसील धामपुर के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवीदास ने प्रतिवादी अर्चना नर्सिंग होम जेत्रा धामपुर जिला बिजनौर के प्रबंधक एवं संचालक के खिलाफ थाना धामपुर में FIR दर्ज करा दी गई है। मुकदमा अपराध संख्या 410 सन 2022 दिनांक 2 दिसंबर 2022 को धारा 15/2 15/3 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत अर्चना नर्सिंग होम के प्रबंधक एवं संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में नोडल अधिकारी डॉक्टर देवीदास ने तहरीर में कहा है कि अनाधिकृत रूप से बिना योग चिकित्सा के लिए चिकित्सा कराना एवं शल्य क्रिया के उपरांत में अन्य उपयुक्त जगह पर भर्ती कराना एवं पूर्व में बंद किए गए अस्पताल की सील खोलकर कार्य करना। आपको बता दें कि 3 नवंबर सन 2022 को धामपुर उप जिला अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर देवीदास के साथ में अनधिकृत रूप से रेलवे स्टेशन के सामने जेत्रा धामपुर में चल रहे अर्चना नर्सिंग होम पर सील लगा दी गई थी, लेकिन अर्चना नर्सिंग होम के संचालक एवं प्रबंधक ने नर्सिंग होम में सील लगने के बाद से ही अस्पताल में मरीज भर्ती और ऑपरेशन करने शुरू कर दिए थे। इसकी भनक जब स्थानीय पत्रकारों को लगी कि अभी अर्चना नर्सिंग होम जेत्रा की सील नहीं खुली है और उस अर्चना नर्सिंग होम में मरीज भर्ती हो रहे हैं और ऑपरेशन हो रहा है, पत्रकारों ने अर्चना नर्सिंग होम पर जाकर देखा तो मरीज भी भर्ती है और ऑपरेशन हो रहा है। पत्रकारों ने वीडियो और फोटो खींचे और प्राथमिकता के साथ समाचार प्रकाशित किए। जिला अधिकारी श्री उमेश मिश्रा जी के संज्ञान लेने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं धामपुर जिला अधिकारी को अर्चना नर्सिंग होम की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पत्रकारों के कलम का असर छपी खबर तो हुई, असर नोएडल अधिकारी ने कराया मुकदमा दर्ज। धामपुर से हमारे संवाददाता फारूक अंसारी की खास रिपोर्ट रियल इंडिया TV पर। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कब से भर्ती हुआ? कौन सा हॉस्पिटल है ये? अर्चना का हॉस्पिटल है। अर्चना का, डॉक्टर अर्चना का हॉस्पिटल है। आपका नाम? नाम मीनाक्षी। पति का नाम? नरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो जी? मारकपुर के। तो आप यहाँ कब से भर्ती हैं? परसों से। 8 तारीख क्या भैया? 29 तारीख है ना। महीना कौन सा है? 11/2022 है ना। ठीक।